आपकी, देखिए आज आप जो बोलेंगे, देखिए आपको उनको मोटिवेट करना है, या तो आप उनको, आपसे नहीं, आपको उनसे मोटिवेट होना है, तो आपको कुछ बोलना है। देखो जब आप वर्ल्ड कप जीतोगे तब आपको बोलना पड़ेगा ना, यहीं से तैयारी शुरू करिए। आइए, ये टफ नहीं है, ये शुरुआत है, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो आप हमें याद रखना। देखिए इसे कहते हैं इनोसेंस। आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए बेटा, आप इस स्कूल से पढ़े भी हैं, तो चलिए मैं क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, आप उस हिसाब से बताइए, ठीक है? आप कितने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं? कैन आई हैव एक और, एक वन मोर माइक प्लीज? यस हाँ जी, आपको 13 साल, और अभी आपकी उम्र कितनी हुई है? 19। अभी तो मैंने शुरू कर दी ना। वेल यश, एक बार सिर्फ यश के लिए, और यश ने जो ट्रॉफी हमारी कंट्री के लिए लेके आया उसके लिए तालियां। यश, सबसे पहले हमारे एथलीट के लिए कोई एक मैसेज कि जब कभी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो। कंट्री को रिप्रेजेंट करना अपने आप में प्राउड फील होता है, क्योंकि सबका, मतलब कोचेस का, फैमिली का और फ्रेंड्स का, सबकी होप होती है कि अच्छा करें वहाँ जाके और कुछ ना कुछ जीत के लाए इंडिया के लिए। तो एक अपने आप में मोटिवेशन होता है वहाँ जाके, जब क्राउड दिखता है तो अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ कुछ करना है, ना बैटिंग बॉलिंग ना फील्डिंग, कुछ तो करना है ग्राउंड में जाके, तो अलग से ही मोटिवेशन होती है उस चीज़ की। और यश, तालियां तो यार। और यश, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपका वो एक लम्हा जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो एक कोई इंसिडेंट किसी टीम के अगेंस्ट या किसी एक अपनी पारी के अगेंस्ट? जब हमारा फाइनल था तो हम इंडियंस बहुत कम थे, और जो इंग्लैंड का जो क्राउड था वो पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, तो उनका चेयर अलग थी, हमारी चेन अलग थी, तो उसमें जब हम जीते और उसका अलग ही फीलिंग था, और जो हमारा जो छोटे सा क्राउड था वो अलग ही खुश था। लेकिन मैं यश के स्टेटमेंट से आज रिलेट करती हूँ, जब हम इस गेम को खेल रहे थे तो हमारे अपने लोग बहुत कम थे। ये मैसेज बाहर के देश में जाके जाने की जरूरत नहीं, ये आज भी जरूरत है, आज भी हमें जरूरत है कि ये जब लोग प्लेयर खेल रहे थे, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ द्वारका के कुछ लोगों को आके मोटिवेट करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मैसेज। यश, एक लास्ट सवाल, आपके गुरु, आपके कोच संदीप सर हमारे साथ खड़े, सामने खड़े हैं, एक किसी भी प्लेयर की लाइफ में उसके गुरु का रोल? सर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे अपने कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन अपने कोच से ही मिलता है, क्योंकि बैड फेज में भी आप कोच से बात करोगे, अच्छे फेज में भी, तो यही है कि अपना अच्छा कांटेक्ट होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, तो फिर एक मजा भी आता है क्रिकेट खेलने में। वो तो सर बचपन के साथ ही है मेरे। मैं गुजारिश करूंगा संदीप सर से, अगर मंच पे आए संदीप सर प्लीज। संदीप सर, एक सवाल आपसे सर, आपने यश को कितनी बार डांटा है, और डांटे के बाद यश का क्या रिएक्शन था? हकीकत बताऊं, इसने आज तक कुछ स्कूल में ऐसी हरकत ही नहीं करी कि इसको डांटने की जरूरत पड़ी हो। हकीकत ये, स्टडी में भी इतना अच्छा था और गेम में तो खैर था ही, तो इसको आज तक कचूट की जरूरत नहीं पड़ी डांटने की, और जो कहा वो फॉलो किया, तभी आगे। गुरु चेले की जोड़ी हमारे सामने, जिसने भारतीय इतिहास, भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक सुनहरा वक्त लिखा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच यश। Thank you so much, Yash.